काम दिलाने के बहाने मुस्लिम युवक शाकिब महिला को गाजियाबाद से रोड की ले गया, जहां मुस्लिम युवक शाकिब और नदीम ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और सड़क पर छोड़ दिया। दुष्कर्म के बाद सड़क पर महिला की बेहोशी की हालत में मिलने पर पुलिस ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला ने होश में आने पर घटना के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड के रुड़की में एक महिला के बेहोशी की हालत में मिलने पर पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। महिला के होश में आने पर पूछताछ में वह कुछ भी स्पष्ट जवाब नहीं दे सकी। इस दौरान महिला ने अपना निवास स्थान गाजियाबाद बताया, जहां से पुलिस की टीम ने उसके परिवार और पति को जानकारी देकर रुड़की बुलाया। रुड़की पहुंचने पर पति ने पत्नी से बात की तो पता चला कि गाजियाबाद में शाकिब ने महिला के साथ उसका शारीरिक शोषण किया। इस दौरान शाकिब की पत्नी ने भी इसमें सहयोग किया। महिला ने परिवार में काम के सिलसिले में बताकर रुड़की आई थी, तभी रुड़की में नदीम और शाकिब ने महिला के साथ शारीरिक शोषण किया। मैं जल लेने आई थी, यहाँ शाकिब नाम के आदमी ने मुझे क्या नाम है पानी पिलाया, पानी में कुछ मिला के उसने कहा बहन तेरा फोन चार्ज नहीं है। मैं कहा मेरा फोन चार्ज नहीं है, चार्ज करवा दो। उसने मुझे फोन चार्ज करके अपने घर ले गया मुझे वो, और वहां से ने मुझे नशे की दवाई दे के मेरा रेप करवा लिया। रेप करवा रहा था, चार चार पाँच पाँच काम रात दिन 24 घंटे मैं काम करती थी। एक बार मैं भागने के चक्कर में बाहर भी आई, इसने मुझे फिर पकड़ के अंदर कर दिया। 3-4 दिन से पहले किसी और के पास छोड़ रखा था इसने, वहाँ से भाग के आई तब इसने मुझे मारा, फिर मैंने चिल्लाया पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया, तब पुलिस आई तब लेके गई मुझे। SSP अजय सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। नगर थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व एक महिला संदिग्ध अवस्था में मिली थी, जिसकी सूचना पर पुलिस ने उसकी अवस्था को देखते हुए सिविल अस्पताल में रात्रि में एडमिट कराया था। क्योंकि महिला संबंधी प्रकरण था, इस संबंध में महिला से इंस्पेक्टर द्वारा भी जानकारी पूछताछ की गई, लेकिन उसके द्वारा कुछ स्पष्ट बात नहीं बताई गई। और अगले दिन उसके द्वारा अपने साथ कोई घटना के संबंध में बताया गया, लेकिन कोई भी तहरीर देने से मना किया गया, जिसकी लगातार काउंसलिंग की जा रही थी। उसकी जानकारी उपरांत उसके हस्बैंड और उसके परिवार की जानकारी करने के बाद एक टीम को गाजियाबाद और दिल्ली भेजा गया था, जहां से उसके हस्बैंड को मिलने के बाद उनको भी यहां पर बुलाया गया था। उनके आने के बाद महिला के द्वारा एक 376 की एप्लीकेशन दी गई थी, जिस पर तत्काल कल मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। ये एप्लीकेशन साकिब और उसकी पत्नी के विरुद्ध दी गई थी कि साकिब द्वारा उसका शारीरिक शोषण किया गया और उसकी पत्नी ने उसमें सहयोग किया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन में कुछ और चीज़ें फैक्ट्स आई, तो ये पता चला कि ये महिला कुछ दिन पूर्व जो है अपने पति को यह बताकर कि काम के सिलसिले में जा रही है, और एक नदीम नाम का व्यक्ति है जिसके माध्यम से उनकी बात भी हुई और काम दिलाने के बहाने वो यहाँ पर आई थी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।